गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट यूपी में टैक्स फ्री कर दी गई है, जिसको लगातार दर्शकों की भीड़ देखी जा रही है। बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार से नेटवर्क 10 ने खास बातचीत की है, इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हो गई। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता सहित विधायकगण कल फिल्म को देखने गए थे। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कल्याणपुर विधानसभा से विधायक बीजेपी नीलिमा कटियार जी हैं। उन्होंने फिल्म देखी कार्यकर्ताओं के साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है फिल्म में। मैम, आपने कल कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखी, क्या फिल्म से सीख मिली और क्या लोगों को संदेश देना चाहती हैं? देखिए, ये सार्वभौमिक सत्य है कि गलत जानकारी से सूचित वर्तमान कभी भी व्यवस्थित भविष्य नहीं बना सकता। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाह रही हूँ द साबरमती रिपोर्ट के निर्माता जो हैं, जो एकता कपूर जी हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया, और जो इसके निर्देशक हैं धीरज सरना जी। मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह से ये जो 27 फरवरी 2002 के गुजरात के एक छोटी सी जगह गोधरा की जो घटना थी, और जिस तरह से उस घटनाक्रम को मैन्युपुलेट करके और उसको एक घटना की प्रतिक्रिया बताया गया, लेकिन जिस तरह से ये जो साबरमती रिपोर्ट फिल्म बनी है और जिस व्यवस्थित प्रकार के सभी घटनाक्रमों को एकदम सच के उजाले में दिखाया गया है, मैं फिर से बहुत प्रशंसा कर रही हूँ। हमने विवेक अग्निहोत्री जी की कश्मीर फाइल्स भी देखी कि कैसे कश्मीरी पंडितों को उनके अपने ही घर से रातों रात सब कुछ छोड़ के, अपनी अस्मत, अपनी अस्मिता, सब कुछ को जला करके भागना पड़ा। हम तो वो पीढ़ी हैं कि हमने ये भी देखा कि कैसे कार सेवकों पर गोली चार्ज हुआ अयोध्या के अंदर, और उसको भी कैसे बदला गया, उस स्वरूप को भी कैसे बदला गया। कितना लंबा कालखंड इस भारत की धरती पर हिंदुओं के साथ वोटों की राजनीति के कारण, उसके तुष्टीकरण के कारण कैसे इस देश के ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को ध्वंस किया गया। गोधरा की घटना में 59 लोग, वो मासूम लोग, वो निर्दोष लोग, वो 59 लोगों की हत्या हुई, और कैसे वो 59 लोग इस तरह से उनकी हत्या की संजीदगी को, उस विभत्स तरीके को कैसे देश के सामने उसको ढक दिया गया, किसी को याद नहीं रहा वो कौन थे। आज मैं कहूँगी कि ये जो वर्तमान है, इन जैसी फिल्मों के कारण सच को जब जान रहा है, और ये किसी वर्ग विशेष के विरोध में नहीं है, किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी सोच के विरोध में नहीं है, ये सीधे सीधे एक मानसिकता है। और इस मानसिकता की जानकारी अगर वर्तमान पीढ़ी इस तरह की, इन घटनाओं का जो तथ्य है, इन घटनाओं का जो सच है, इन पिक्चर्स के माध्यम से अगर निकल करके आएगा सामने, जो आया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि इस मानसिकता की, इस प्रवृत्ति का को सर उठाने की गुंजाइश कम से कम इस देश में दोबारा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी नीलिमा कटियार विधायक बीजेपी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पिक्चर आई है उसको पूरे देश में देखनी चाहिए, और ताकि दोबारा भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। हमने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नटवर्टन, कानपुर।